मामला गोवर्धन कस्बे का है, जहां पूरणमासी के पर्व पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हुई नजर आ रही थीं, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालु काफी परेशान भी नजर आ रहे थे। आपको बताते चलें कि दुकानदार एवं वाहन स्वामी सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। वह ये भी नहीं देखते कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करना प्रतिबंध होता है। इसी के चलते आज थाना गोवर्धन पुलिस अतिक्रमणकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। थाना गोवर्धन पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान थाना गोवर्धन से प्रारंभ कर एकता चौराहे तक किया, जहां रोड पर लगे तख्ते, पट्टे, बोर्ड, रेडी एवं नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई गाड़ियों को हटवाया तथा उन्हें हिदायत दी कि दोबारा से उन्होंने अतिक्रमण किया तो उनके चालान काटे जाएंगे तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं एटा चौराहे पर बने एकता सेवा सदन के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई गाड़ियों के चालान भी काटे। थाना गोवर्धन पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या अतिक्रमणकारी पुलिस का कहना मानेंगे या फिर वह अपनी मनमानी यूं ही करते रहेंगे। क्या पुलिस इन पर दोबारा कोई कार्यवाही कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।